हाय एवरीवन, हमारा साथ आज हाय नितेश है। हाय नितेश। हाय। ये IIT बॉम्बे का एमटेक स्टूडेंट है जो कि अभी IOCL में उनका प्लेस जॉब हुआ है 2022 का ना। हाँ नितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। आपके बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं, अभी जैसे कि मैं IJT सरांग बीटेक पास आउट हूँ इन ब्रांच मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। देन 2018 में पास आउट होने के बाद मैं 1 साल बालको में जॉब किया था। उसके अच्छा बाद फिर वहाँ से रिजाइन करके फिर गेट का प्रिपरेशन वंस 1 ईयर, देन IIT बॉम्बे में MTech इन मटेरियल साइंस, एंड अभी तो IOCL प्लेस्ड। अच्छा कितना खुश लग रहा है IOCL प्लेस होने के बाद। आप बताओ मेरे चेहरे से क्या लग वो रहा तो किसी को भी लगेगा, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। आपका कितना एक्सपेक्टेशंस था इस साल को लेकर? आपका गेट रैंक शायद 11 था ना, है। हाँ सो इलेवन आपको था। पता था इस साल हो जाएगा। तो आगे प्लान क्या है और कहाँ पे प्लेसमेंट में बैठना है? क्योंकि आगे IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट आने वाला है, तो आपका प्लान है प्लेसमेंट में बैठना ना यहाँ पे IOCL को जाके और सब? ड्रीम कंपनी तो था ही IOCL, मतलब पहले से ही। जब भी मैं भुवनेश्वर में काफी टाइम रहा हूँ, तो जब भी मैं भुवनेश्वर में जाता था वहाँ पे IOCL ऑफिस देखता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे यही जॉब करना है। अच्छा तो वो फाइनली हो गया, तो अभी मतलब आई एम हैप्पी। बट थिंग इज कि अभी मैं IIT बॉम्बे में आने के बाद अच्छा IIT बॉम्बे में आने के बाद मैं जब मैं सेकेंड ईयर सेकेंड सेम में आया, तो तब मैं डाटा साइंस का भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी जैसे कि ये तो फिलहाल प्लेसमेंट पोर्टल से नहीं हुआ, ये मतलब गेट स्कोर से हुआ है। तो अभी डाटा साइंस में भी मैं फोकस करूंगा, मतलब अच्छा प्लेसमेंट पोर्टल में थ्रू IIT बॉम्बे प्लेस होने के लिए। और ये जो सक्सेस मिला, इसका क्रेडिट किसी को देना चाहता तू? क्रेडिट ऑब्वियसली पापा मम्मी तो सबसे पहले, एग्जैक्टली। देन टीचर्स, फ्रेंड्स, ऑल लव्ड वंस। और IIT बॉम्बे का कितना रोल था? क्योंकि तुम्हारा बीटेक सारंग ओडिशा से, बट IIT बॉम्बे में तुम्हारा एमटेक है, सो IIT बॉम्बे का कितना रोल था तुम्हारा सक्सेस बहुत में? बड़ा रोल था, क्योंकि जब मैं IIT बॉम्बे ज्वाइन किया तब मेरा ऑल इंडिया रैंक था 134। अच्छा देन मैं IIT बॉम्बे ज्वाइन किया, मतलब यह क्या होता है एमटेक में कि जो बीटेक में हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स का ना मतलब ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं वो लोग, तो उससे मेरा क्या हुआ रिवीजन टाइप का हो गया। तो नेक्स्ट ईयर मुझे गेट में बहुत आसानी हुई मतलब देने के लिए, जैसे मतलब सोच सकते हो 134 to 11, तो यस, उसके लिए काफी बड़ा रोल था IIT बॉम्बे का, मैं तो कहूंगा। मैं जानता हूँ तुमको, हर टाइम देखता हूँ यहाँ पे खाने जाने के टाइम में, ए विंग्स में तो तुम रहते हो। दोस्ती है हम लोग। क्या बात कर रहे हो भाई। ठीक है, तुम्हारा कब तक प्लेसमेंट मतलब पोस्टिंग हो जाएगा तुमको लगता है? क्योंकि अभी सेकेंड ईयर तुम्हारा चल रहा है, यहाँ पे कंप्लीट भी करना पड़ेगा तुमको एमटेक, तो कब तक? जून शायद या? वो देखते हैं, पोस्टिंग डेट तो अभी नहीं आया फिलहाल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी में आने का चांस है। अच्छा बट थिंग इज कि मुझे ये भी अपना मतलब डिजायर है कि मतलब IIT बॉम्बे में एमटेक कंप्लीट करूं। यस ऑब्वियसली IIT बॉम्बे सर्टिफिकेट मैटर्स, एग्जैक्टली। तो मैं कोशिश करूंगा HR डिपार्टमेंट को मेल लिखने के लिए कि मुझे मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एक्सटेंड करें टिल जून। और इस साल कितना पोस्टिंग आया था IOCL से? फॉर मेटलर्जी 29 वैकेंट पोस्ट। 29। और यहाँ से तुम्हारा डिपार्टमेंट और किसी का हुआ है? हाँ, डिपार्टमेंट मतलब IIT बॉम्बे में मेटलर्जी का शायद 5 लोगों का हुआ है। अच्छा, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर द डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर IIT बॉम्बे ऑल्सो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। और जाने से पहले हमको भी पार्टी देकर जाना, अरे ठीक जरूर, अभी चलो पार्टी। थैंक है? यू। चलो, थैंक यू सो मच।